बेटा अगला कंपाउंड हमें पढ़ना है एमिनो ग्रुप वाला जिसका नाम है फेनिल एमिन फेनिल एमिन को एक और नाम से हम लोग जानते हैं एनिलीन और बनता कैसे है ये फार्मूला अगर हम बेंजीन के साथ एन एच टू ग्रुप को जोड़ दें तो एनिलीन या फेनिल एमीन का निर्माण होता है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं कि हम बेंजीन रिंग बना लें और फिर उस पर सिंगल टॉप पर सिंगल बॉन्ड के साथ एन लिखें इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है तो फेनिल एमीन या एनिलीन दोनों एक ही चीज़ है और दोनों का फॉर्मूला होता है या तो सिक्स सिक्स एच फाइव एन एच टू लिख दें या फेनिल ग्रुप बनाएं और साथ में एन एच टू को कंबाइन कर दें दोनों चीज़ें सेम है अभी बात करेंगे कि सबसे पहले फेनिल एमीन या एनिलीन एनिलिन इसका नाम इसलिए भी पढ़ना जरूरी है ऐसे ये नाम से ज्यादा फेमस है तो एनिलिन को सबसे पहले चेक करेंगे कि बनाने की कौन कौन सी विधियां तो क्योंकि प्रयोगशाला में बहुत सीमित केमिकल होते हैं हम सबसे पहले प्रयोगशाला में ही एनिलिन का निर्माण करेंगे जिसको फेनिलेमिन भी कहते हैं बेटा प्रयोगशाला में फेनिलेमिन या एनिलीन को बनाने के लिए हमारे पास सी सिक्स एच फाइव और बेटा एनोटू नाम का कंपाउंड होना चाहिए सी सिक्स एच फाइव टू में अगर हम छ मोल नवजात हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवा दें तो 6 मोल नवजात हाइड्रोजन कहाँ पर होगी एस एन और एस सी एल की प्रेजेंस में क्योंकि इसके लिए हाई रेड हाई रेड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा वो एस एन एस सी एल है बेटा 6 में से करेगा क्या है? ये बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा और बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा छः एच में से दो एच इसको मिले दो एच नीचे वाले को मिले और दो एच मिलते हैं नाइट्रोजन को तो अगर ये दो एच ओ को मिलेगा एच टू ओ एच टू ओ तो हम बनाकर तैयार करेंगे टू एच टू ओ साथ में बेटा चेक करेंगे हमारे पास क्या होता है सी सिक्स एच फाइव एन एच टू एनिलीन हालांकि इसके भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है लेकिन बेटा अभी इसको दिखाएंगे नहीं अभी जरूरत नहीं है इसलिए उसको दिखाएंगे नहीं जिस रिएक्शन में उसकी जरूरत पड़ेगी हम उसको दिखाएंगे अभी एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर हमको औद्योगिक विधि कह देता है कोई आता है बोलता है कि प्रयोगशाला विधि से तो आप बना सकते हैं क्या आप औद्योगिक विधि से बना सकते हैं नीलिन को तो बेटा औद्योगिक विधि का यूज तब करते हैं इसमें से केमिकल की कोई डिमांड नहीं चाहे इतना महंगा केमिकल हो लो लोग यूज कर सकते हैं प्रयोगशाला में सीमित केमिकल होते हैं उन्हीं से बनाया जाता है लेकिन औद्योगिक विधि की जब कभी बात आ जाए तो कुछ भी केमिकल यूज कर सकते हैं तो उस दौरान भी बनेगा बेटा फॉर्म एन ओ टू और बेटा उसमें भी छह मोल हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी जो कि नवजात हाइड्रोजन है बसरते जब आपसे यह कह दे कि औद्योगिक विधि है बेटा उत्प्रेरक की जगह पर एफ का यूज करना प्रयोगशाला में एस एन एस सी एल को यूज कर रहे थे तब नवजात हाइड्रोजन बना रहे थे औद्योगिक विधि में एफ ई एस सी एल को यूज करेंगे तब नवजात हाइड्रोजन बनाएंगे दोनों में डिफरेंसेस बिल्कुल ना के बराबर है केवल कैटलिस्ट का और उसमें से भी कैटलिस्ट में एस एन और एफ ई का डिफरेंस है केवल तो ध्यान थोड़ा सा इस बात को रखना है कि प्रयोगशाला विधि में कौन से कैटलिस्ट यूज करना है और औद्योगिक विधि में कौन सा कैटलिस्ट यूज करना है बॉन्ड के टूटने का तरीका सेम ये भी बॉन्ड ब्रेक हुआ दो एच या एच टू आपने इसको दिया एच टू आपने इसको दिया और एच टू आपने इसको दिया दो जगह टू एच टू बनाकर तैयार करेगा और बेटा फिर से मैं अगर लिखूं तो प्रयोगशाला विधि हो गई सेकेंड नंबर पर औद्योगिक विधि हो गई अभी एनिलीन को बनाने की और भी विधियां हैं जैसे हम लोग कैसे एनिलीन को बना सकते हैं एक अभिक्रिया थी हमारे पास हाफ मैन या हाफ मान भी लिख सकते हो आप इसको हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया ब्रोमाइड अभिक्रिया दोनों सेम चीज माइड अभिक्रिया बेटा हाफ मैन ब्रोमे अभिक्रिया से अगर हम लोग बनाकर तैयार करेंगे सबसे पहले सी सिक्स एच फाइव एन एच टू की जरूरत होती है इसकी दर और अभिक्रिया हम लोग कहां से कराते हैं इसकी ब्रोमीन के छारी विलयन से बेटा ब्रोमीन के छारी से कराओगे रिएक्शन का तरीका फिर से आप पढ़ चुके होंगे दो के दो बी आर से रिएक्शन करेगा सबसे पहले टू के बी आर बनाकर तैयार करेगा फिर मैं कह रहा था कि बाकी के जो बचे दो के हैं वो क्या करेंगे दो के सी ओ से और बाकी के यहाँ ओ से रिएक्शन करेगा तो बना डालेगा के टू सी ओ थ्री अभी हम इस बात को चेक करते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन बचा की क्योंकि चार यहाँ था एक यहां था पांच में से तो तीन खर्च कर लिए हमने दो ऑक्सीजन जो बचे हैं वो दो ऑक्सीजन चार हाइड्रोजन को लेंगे देखो चार का गुना है इस हाइड्रोजन पर तो बनाकर तैयार करेगा 2H2O बेटा मैं लास्ट में चेक करने जाऊंगा कि मेरे पास क्या केमिकल बचता है तो देखो CO तो निकल गया था C6H5 बचा और NH2 बचा C6H5 बचा और NH2 बचा तो एनिलीन को ऐसे भी बना सकते हैं तो बेटा अगला प्रोसीजर है हमारा फेनिल आइसोसाइनेट से आइसोसाइनेट का फॉर्मूला सी सिक्स एच फाइव एन सी ओ बेटा इसके विक्रिया करवाएंगे दो मोल के ओ एस से आप चाहे तो एक साथ टू के ओ एस ले सकते हो या अलग अलग भी अब विक्रिया का तरीका क्या है बेटा सी ओ इस भाग से विक्रिया करेगा तो बनाकर तैयार करेगा के टू सी ओ थ्री पहला कंपाउंड बना के टू सी ओ थ्री पोटेशियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको अभी बचेगा सी सिक्स एच फाइव एन और दो एच सी सिक्स एच फाइव एन एच टू हमारे पास एक और केमिकल है जिससे हम एनिलीन बना सकते हैं फेनिल आइसो साइनाइड से अच्छा फेनिल आइसोसाइनाइड के बनाने के लिए सी सिक्स एच फाइव सिंगल बॉन्ड एन सी बेटा अभिक्रिया करवाएंगे जल से और हम जल से दो मोल की अभिक्रिया करवाएंगे जल के अच्छा जल को ऐसे भी लिख सकते हैं एच ओ एच के फॉर्म में तरीका बिल्कुल आसान सा है बेटा ये एन इन दो एच से अभिक्रिया करेगा तो बेटा बनेगा क्या C6H5N 2H से अभिक्रिया करेगा तो बनाकर तैयार कर देगा C6H5NH2 ये तो एनिलीन बन गया बेटा अभी आगे चेक करेंगे हमारे पास बचा क्या देखो दो एच दो ओ और सी इसको हम लिख सकते हैं एच सी डबल ओ एच तो इस दौरान पहला कंपाउंड जो बना उसको नाम बोलते हैं और दूसरा जो कंपाउंड हमारे पास बनकर तैयार हुआ है उसको नाम देते हैं फॉर्मिकम. अभी एक और रिएक्शन इसमें से बना सकते हैं आपने शायद पढ़ी भी होगी स्मिट अच्छा स्मिट अभिक्रिया को बनाने के लिए क्या करते हैं स्मिट से कि हम सबसे पहले बेंजोइक एसिड लेते हैं बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला सी सिक्स एच फाइव सी डबल ओ एच और अब एसिड से एन थ्री एच से और बेटा प्रेजिन्ट रहते एच टू एस फोर की शायद आपको याद भी होगा हमने कहा था यह ऐसी अभिक्रिया हमको मिली है जिनमें से रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सभी क्या है एसिड ही है ट्रिपल ए रिएक्शन हम इसको कह रहे थे एसिड 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 बेंजोइक एसिड हाइड्रोजोइक एसिड एंड लास्ट में इसको सभी जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो गई क्या सबसे पहला ये वाला पार्ट अलग हो गया कौन सी गैस CO2 गैस अलग हो गई फिर यहां से बेटा दो नाइट्रोजन अलग हो गया तो बन गया एन अभी मैं चेक करता हूं बचा क्या क्या है सी सिक्स एच फाइव एक एन बचा है और देखो एक ये वाला एच और एक ए वाला एच सी सिक्स एच फाइव एन एच टू तो एक इस विधि से भी हम लोग आसानी से सी सिक्स फाइव एन एच टू को बना सकते हैं अगला एक और बनाएंगे हम लोग एथिल ब्रोमाइड से यहां बनाकर तैयार करेंगे कहता है एथिल ब्रोमाइड ब्रोमाइड से बेटा एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला अगर चेक करेंगे तो एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है सी सिक्स सबसे पहले एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला फेनिल ब्रोमाइड कर लो इस जगह फेनिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला सी सिक्स एच फाइव बी आर बेटा इसमें से अभिक्रिया किससे कराएंगे एनएनएच टू बेटा इसका नाम ध्यान रखना सोडामाइड इसका नाम है सोडियम के लिए सोडा लगाया गया एनएच टू एमाइड तो सोडामाइड नाम है फॉर्मूले का अभिक्रिया करेगा तो एन अभिक्रिया किससे कर लेगा बी से पहला कंपोनेंट बनाकर तैयार करेगा एन बेटा अभी मैं आगे चेक करूंगा नेक्स्ट नंबर तो सी सिक्स एच फाइव बच्चा मेरे पास और मेरे पास बच्चा एन एच टू तो इसको भी लिख सकते थे सी सिक्स एच फाइव एन एच टू तो ये एनिलीन बन गया एक और बेटा मेरे पास प्रोसेस है जिससे हम एनिलीन को बना सकते हैं कहता था देखो नेक्स्ट नंबर प्रोसीजर में चलेंगे फिनॉल से अगर हमारे पास फिनॉल है हम उससे भी निरीन को बना सकते हैं फिनॉल का फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा सी सिक्स एच फाइव OH. ओ एच अविक्रिया अगर अमोनिया से करवाएं तो बेटा अमोनिया से अभिक्रिया होगी कैसे इसको थोड़ा सा सही ढंग से लिखते हैं बेटा एच आगे कर लिया और एन एच टू कहाँ किया बाद में अगर इस प्रकार से बनाकर तैयार करेंगे तो बेटा देखो होगा क्या ओ OH एच किस से करेगा एच से अगर ओ एच एस से अभिक्रिया करेगा तो बना ला लेगा जल अभी मैं चेक करूंगा मेरे पास बचता क्या क्या है सी सिक्स एच फाइव एन एच टू सी सिक्स एच फाइव एन एच टू बेटा एक और विधि जिससे हम बना सकते हैं ए, एनिलीन को तो उसको भी पढ़ लेते हैं कहता है क्लोरोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन से बेटा एक चीज और देखो ध्यान रखने वाली बात है जो विक्रिया फेनिल ब्रोमाइड कर सकता है वही अभिक्रिया फेनिल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन भी कर सकता है क्योंकि उसमें बी आर की जगह बस सी एल होने वाला है तो इसको अभिक्रिया को देखेंगे क्या यह अभिक्रिया और जो हम लिख रहे हैं दोनों में डिफरेंस है तो उसको चेक करेंगे सी सिक्स एच फाइव क्लोरोबेंजीन है सी एल लगा दिया अभिक्रिया इस बार अमोनिया से करवाएंगे बेटा अमोनिया का तो समझ गए कैसे लिखना है एक एच पहले लिख लें और बाद में बचा हुआ लिख दे NH2 बेटा बिक्रिया होगी तो एच किससे से बिक्रिया करेगा सी तो कंपाउंड बनाकर तैयार करेगा एच मैं क्या सोचता हूँ कि अभी मेरे पास बचा क्या है C6H5NH2 C6H5NH2 तो बेटा इस विधि से भी एनिलीन बना सकते हैं तो हमारे पास इतनी विधियां हैं जिनसे एनिलीन को आसानी से बनाया जा सकता है आप एक काम करेंगे इनको नोट करेंगे फिर भौतिक गुण और एनिलीन के रासायनिक गुणों को पढ़ते हैं पहला भौतिक गुण है एनिलीन का कहता है यार रंगहीन द्रव पदार्थ है एनिलीन को पहला ध्यान रखना है रंगहीन द्रव पदार्थ है लेकिन इसमें से एक विशेषता भी है अगर आप एनिलीन को वायु के कांटेक्ट में रखते हो खुला छोड़ देते हो या आप एनिलीन को बोतल में बिल्कुल ऊपर तक भरकर नहीं रखते हो आधी बोतल में भरा बाकी आधे पर क्या है एयर तो होगा क्या एनिलीन उस एयर से रिएक्शन करेगा और ब्राउन कलर का सोल्यूशन में चेंज हो जाएगा तो वही मैंने सेकेंड नंबर पर लिखता है लिखा है कि परंतु वायु द्वारा अक्सीकृत होकर अगर आप इसको एयर के कॉन्टेक्ट में रखते हो वायु के द्वारा अक्सीकृत होगा और कैसे रंग में बदल जाएगा भूरे रंग में बदल जाता है एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है कि अगर एनलिन की बात होगी यह जल में बहुत कम घुलनशील है क्योंकि इसकी जल में घुलनशीलता बहुत कम होती है हम इसके क्षारीय नेचर का निर्धारण जल में घोलकर नहीं कर पाते हैं। फिर से ध्यान रखना इस चीज को क्योंकि एनिलीन जल में कम घुलनशील है हम इसके क्षारीय नेचर का निर्धारण जल में घोलकर नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए अन्य माध्यम से हम इसको क्षारीय दिखाएंगे नेक्स्ट नंबर और लिखा है कि कार्बनिक विलायकों में अधिक घुलनशील है या अधिक विलेय मतलब ईथर में एल्कोहल में फिनॉल में अगर इस प्रकार के कंपाउंड्स में घोलोगे ये कंपाउंड आसानी से घुल जाएगा लेकिन जल में कम घुलेगा तो जैसा कि मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि यह जल में घुलेगा नहीं तो अम्ली नेचर का निर्धारण वहां से कर पाना जल के थ्रू कर पाना कठिन है तो हमने हेडिंग भी डाल रखी है प्राइम ए केमिकल प्रॉपर्टीज में कि क्षारी प्रकृति हम कैसे बताएं एनिलिन की तो अगर जल से अभिक्रिया नहीं करता तो एक साधारण सा नियम है अगर एनिलीन क्षारी प्रकृति का होगा तो एनिलिन अभिक्रिया करेगा अम्ल से और क्या बनाकर तैयार करेगा लवण अगर एनेलिन अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाता है इसका मतलब एनिलीन की प्रकृति कैसी है छारी तो एनिलीन को अगर बेटा लेंगे तो एनिलीन का फॉर्मूला होता है सी सिक्स थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि अम्लीय नेचर इस हारी नेचर को दिखा रहे हैं हम यहां पर लोन पेयर रखेंगे अभिक्रिया करवाएंगे बेटा सबसे पहले एच से अगर आपने इसके पहले रासायनिक गुण पढ़े हैं एल्किलेमिन के तो आपको समझ में आने लगा होगा कि सर जी एच पर तो प्लस चार्ज लगाएंगे और सी एल पर माइनस क्योंकि एच पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है एन अपनी ओर इसको अट्रैक्ट करेगा बनाएगा क्या सी सिक्स एच फाइव एन एच थ्री प्लस क्योंकि एच प्लस आके इससे जुड़ गया और बेटा बाद में क्या बचा सी एल माइनस अब आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हो अगर इसका नाम भी पढ़ेगा फेनिल अमोनियम पॉजिटिव चार्ज के कारण अमोनियम क्लोराइड एक एसिड को तो रिएक्शन करवा दी अभी अगर हमें दूसरे एसिड की रिएक्शन करानी पड़े जैसे हमारे पास बेटा एक और एसिड है C6H5NH2 को लेंगे उस एसिड के साथ बेटा H2SO4 तो अगर मैं H2SO4 को एच एच एस ओ फोर में लिखूँ कोई गलत नहीं होने वाला है बेटा इसका नाम देखो कैसे पढ़ेंगे पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड लिखने का तरीका एक एच प्लस एन को बाहर कर लिया तो अंदर बचा एच एस फोर माइनस केवल एच पर क्योंकि प्लस चार्ज है इलेक्ट्रॉन की कमी है यह नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो बेटा बनाकर तैयार करेगा सी सिक्स एच फाइव एन एच थ्री प्लस चार्ज है तो बाहर भी लगा सकते हो उसको और लास्ट में बच्चा एच एस ओ फोर माइनस बेटा नाम देखो इसका कैसे पढ़ेंगे फेनिल अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट या ऐसा भी बोल सकते हैं थोड़ा सा नाम चेंज कर सकते हैं फेनिल अमोनियम बाई सल्फेट हाइड्रोजन का एक नाम बाई भी है अगर ऐसी सिचुएशन पर तो बाई सल्फेट भी पढ़ सकते हैं अभी बेटा एक और प्रकार से हम इसके अम्छारी प्रकार का निर्धारण कर सकते हैं आपको याद होगा हमने किसी भी एल को एक अभिक्रिया लिखाई थी पिक्रिक एसिड के साथ पिक्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का साइज थोड़ा सा बड़ा था लेकिन कोई प्रॉब्लम है नहीं उससे सी सिक्स एच फाइव एन एच टू बेटा मैंने लोन पेयर दिखाया अभी इसके बिक्रिया पिक्रिक एसिड से होगी तो सभी को लगभग पता होगा पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या था बेंजीन पर ओ एस था और आर्थो और पैरा पोजीशन पर एनओ टू था पिक्रिक एसिड का एक और नाम है टू फोर ट्राइनाइट्रो और बेटा लास्ट में ओएस लगा है ना तो फिनॉल तो ऐसा भी बोल सकते हैं या इसको एसिड बोलते बेटा एसिड है क्योंकि ये जल में घुलकर ओ पर कैसा चार्ज देगा माइनस और एच पर बेटा कैसा चार्ज लाएगा प्लस एच को थोड़ा सा दूर लिख लिया अब जैसे ही इस फेनिल एमीन ने देखा एच इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है पॉजिटिव आयन है इसको तुरंत इसने अट्रैक्ट किया बेटा अगर अट्रैक्ट करेगा तो बनाएगा क्या सी सिक्स एच फाइव एन एच थ्री प्लस चाहो तो इसको ब्रैकेट के अंदर बेटा लिख ले या चाहो उसको ब्रैकेट के अंदर लिख ले दोनों सेम चीज है अब वहां बचेगा क्या एच प्लस आयन तो उसका ले आया ये तो उसमें से बचा फिनॉल का ऑक्साइड आयन और लास्ट में तीन जगह पर तो एनओ टू लगना है तो मैंने एनओ टू की पोजीशन पर कोई भी चेंज नहीं किया है अभी इसका नाम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे फेनिल अमोनियम और पिक्रिक एसिड था इसलिए पिक्रेट हाँ ये जरूर कर सकते हो क्योंकि फेनिल नाइट्रोजन से जुड़ा है आप ऐसे लिख सकते हो एन फेनिल अमोनियम पिक्रेट के एसिड कारण पिक्रेट और भी कोई एसिड होता तो उसमें भी जैसे सल्फ्यूरिक एसिड था तो सल्फेट लास्ट में पड़ा गया था अभी नेक्स्ट रिएक्शन पे चलेंगे यही लिख लेते नेक्स्ट रिएक्शन कहता सी एस थ्री सीओ सी एल से अभिक्रिया मतलब एनिलीन अभिक्रिया करेगा किससे सी एस थ्री सी एल से, से। बेटा याद होगा इसका नाम एसिटिलीकरण भी था तो मैं यहां पे लिखे देता हूं कि इस अभिक्रिया को एक और नाम से हम जानते हैं -E करना। या एसिलेशन -E हम रिएक्शन हम लोग इसको कहते थे रख कराएंगे इसको बेटा सबसे पहले तो सी एच थ्री सीओ सी एल थोड़ा सा दूर लिखा अब बेटा हम लोगों को लिखना है फेनिलेमिन तो फेनिलेमिन में से सी सिक्स एच फाइव यहां और बेटा एन और क्योंकि दो एच मुझे यूज करने हैं एच और एक एच थोड़ा सा दूर की ओर तो NH2 को दूर से लिख दिया इधर एक एक करते हुए सी एल किस से, भी एस से पहला कंपोनेंट बनाकर तैयार करेगा एस सी एल साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में मेरे पास बचा क्या सी एस, सी, ओ, एच, सी, सी एस थ्री सी ओ एन एच सी सिक्स एच फाइव सी एस थ्री एन एच सी सिक्स एच फाइव थोड़ा सा नाम इसका ध्यान देंगे अभी चेक करते हैं क्योंकि सी सिक्स एच फाइव एन से कनेक्ट है तो हम इसका नाम ऐसे कुछ पढ़ेंगे कहेंगे एन फेनिल फेनिल और बेटा इसके बाद इस कंपाउंड का नाम था एसीटेमाइड या एथनामाइड भी बोल सकते हैं लेकिन एसीटेमाइड एसिटेमाइड। अभी बेटा तकरीबन ऐसी रिएक्शन सिमिलर एक और लिखेंगे कहता है C6H5 COCl से क्रिया बेटा इसका एक और नाम जैसे एसिटिल क्लोराइड से नाम हुआ था तो एसीनी एसीटिलिकरण नाम दिया था और बेंजोइल क्लोराइड से होता है तो इसको हमने नाम दिया था बेंजोइलीकरण बेंजोइली तो बेंजोलीकरण कहेगा रिएक्शन कैसे करवाएंगे सेम प्रोसीजर लगभग कैसा कि इस बार एसिटिलीकरण कराने के लिए एसिटिल क्लोराइड बेंजोइलीकरण कराने के लिए बेंजोइल क्लोराइड बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है C6H5COCl और फेनिलेमिन से कराएंगे तो तरीका ना अभी वही रखेंगे NHH बेटा अभिक्रिया के दौरान Cl अभिक्रिया किससे करेगा H से साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में HCl बनाएगा बचेगा क्या C6H5CO सिक्स एच फाइव सी ओ बेटा आगे बचेगा एन एच सी सिक्स एच फाइव सी सिक्स एच फाइव सी ओ बचा एन एच सी सिक्स एच फाइव अभी इसका नाम कैसे पढ़ेंगे इसका नाम पढ़ेंगे सबसे पहले फेनिल को बताओ नाइट्रोजन से कनेक्ट है एन फेनिल अभी बेटा इसका नाम देखो सोचो एसीटिल क्लोराइड था तो लास्ट में आपने उसी के नाम को लिखा था एसिटामाइड आज बेंजोइल क्लोराइड है तो बेंजेमाइड तो क्या नाम रहेगा उसका बेंजेमाइड एसिटिल क्लोराइड को एसिटेमाइड तो बेंजोइल क्लोराइड को बेंजेमाइड या ऐसे भी बेंजेमाइड या इसको ऐसे भी पढ़ सकते थे बेंजोइल एमाइड तो बेटा दोनों मैंने नाम यहां लिखे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आप तो, को तो एक काम करेंगे इन रासायनिक अभिक्रियाओं को नोट करेंगे जिनमें से ध्यान रखेंगे ये तीन रासायनिक अभिक्रिया एनिलीन की कैसी प्रकृति को रिप्रेजेंट करते हैं क्षारीय जल पर घोलकर नहीं दिखाया गया क्योंकि जल पर घोलने पर मैंने ये देखा है कि एनिलीन जल्दी से जल में घुलता नहीं या घुलता भी है तो बहुत कम में तो वहाँ आयन को काउंट करके उसकी बेसिक स्ट्रेंथ निकालना कठिन रहेगा तो आप इसको जल्दी से नोट करें फिर आगे पढ़ते हैं बेटा अगला रासायनिक गुण है एल केलेम ए फेनिलेमिन का सी एस थ्री आई से विक्रिया अब सी एस थ्री आई से विक्रिया करवाएंगे तो इसको देखो कैसे हमारे पास केमिकल कंपाउंड था सी सिक्स एच फाइव एन एच टू अभी अभिक्रिया करवाएंगे CH3I से तो बेटा इसको तो ऐसे भी ले सकते हैं CH3 और I मैंने यहां लिख लिया अब NH2 को भी थोड़ा सा एक काम किया NHH लिखा दोनों H को थोड़ा सा अलग लिखा तो अभिक्रिया कैसे हुई कि H ने किससे अभिक्रिया की I से अगर H I से अभिक्रिया करेगा तो एक साइड प्रोडक्ट बन जाएगा HI अभी अभिक्रिया आगे लिखेंगे क्या बना C6H5 एन एच और सी थ्री आप चाहें तो इस एच को ऐसे भी लिख सकते हो ऊपर ऊपर क्यों लिखा ताकि समझ में आ जाएगा अभी बेटा अभिक्रिया फिर एक बार इसकी हुई किससे सी एच थ्री आई से अब बेटा इस बार जब सी एच थ्री आई से हुई अभिक्रिया तो फिर से वही काम की कि H किससे कंबाइन करेगा I से अगर एच आई से कंबाइन करेगा तो फिर से साइड प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा एच आई अभी चेक करेंगे आगे हमारे पास बचता क्या है सी सिक्स एच फाइव एन बेटा ध्यान देने वाली बात है ये एच तो निकल गया और जब एच निकल गया तो एच हाँ का बॉन्ड क्या हो गया खाली रिक्त हो गया तो हमने रिक्त बॉन्ड की जगह पर क्या लगाया सी एस क्योंकि इसका भी बॉन्ड रिक्त है तो ऊपर लगा दिया सी एस थ्री बेटा यहां भी सी एस थ्री अभी सोचेंगे कि एक बार और अभिक्रिया हो सकती है हो सकती है कैसे हो सकती है उस चीज को चेक करेंगे हमने फिर से सी एस थ्री आई की अभिक्रिया करवाई आपको भी सर जी आई दूर लिख दिया अब बेटा दूर भी लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है देखो कैसे नाइट्रोजन पर लोन पेयर तो होगा ही और लोन पेयर होगा तो वो ढूंढ रहा होगा एक ऐसे एटम या ग्रुप को जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी तो मैंने सी एस थ्री और आई को चेक किया तो सी एस थ्री तुमने पढ़ा भी होगा ये एक ऐसा ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दाता समूह ये इलेक्ट्रॉन देने के चक्कर में हमेशा रहता है और आयोडीन जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है वो इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में रहेगा तो इस कारण से आयोडीन पर आएगा ऋण चार्ज और सी एस थ्री पर कैसा प्लस और नाइट्रोजन तो ढूंढ ही रहा था ऐसा किसी व्यक्ति को जो पॉजिटिव चार्ज के साथ आए इलेक्ट्रॉन की कमी को शो करे तो बेटा अगर बिक्रिया करेगा मैं प्रोडक्ट नीचे लिखता हूं इसे यहां पे सबसे पहले मेरे पास सी सिक्स एच फाइव फिर मेरे पास एन सी एस थ्री ध्यान रखने वाली है सी एस थ्री इससे जुड़ेगा के सी एस थ्री प्लस चार्ज के साथ फिर सी एस थ्री आगे लास्ट में मैंने क्या लिख दिया इसके आई या ऐसा भी लिख सकते हो सी एस थ्री प्लस था साइड में मैंने क्या लिख दिया आई आप आई पर माइनस चार्ज है जानते हो अगर आप चाहो तो इसको अलग भी लिख सकते हो दोनों चीजें सेम है उसे प्रॉब्लम कोई नहीं आने वाली है यहां भी लिख सकते थे वहां भी लिख सकते हैं नाम देखो कैसे पढ़ेंगे इसका बेटा इसको चेक करोगे तीन बार मेथिल ग्रुप है नहीं तीन बार मेथिल ग्रुप है और एक बार कौन सा ग्रुप है फेनिल तो अभी स्टार्टिंग अगर करें तो बेटा की स्पेलिंग एम से स्टार्ट होती है और फेनिल की स्पेलिंग पी से पी एच एन वाई एल. तो एम वाले को पहले पढ़ेंगे तो कुछ लोगों को तो ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होगी कैसा जब यहां से लिखेंगे हम नाम एन कौमा एन कॉमा एन ट्राई मेथाइल या ट्राई मेथिल ट्राई मेथिल या ट्राई मेथाइल अभी चेक करेंगे एक और चीज कि C6H5 को भी तो पढ़ना है अच्छा C6H5 भी N से कनेक्ट है एन फेनिल, फेनिल। अभी एक और चीज चेक करेंगे अभी हमने एक चीज को नहीं पढ़ा है एन के विषय में तो कोई बताया ही नहीं तो सी एस थ्री क्या करेगा सी एस थ्री के पास इलेक्ट्रॉन की क्या थी कमी तो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर सी एस थ्री को दिया कि आप अपनी कमी को क्या करें पूरा करें अगर बेटा नाइट्रोजन सी एस थ्री को इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसकी कमी क्या हो जाएगी पूरी और नाइट्रोजन कैसा चार्ज दिखाएगा प्लस भाई हमारे पास चार इलेक्ट्रॉन है अगर मैं किसी दूसरे को बॉन्ड बनाने के लिए दे देता हूं तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे कम तो मैंने वो इलेक्ट्रॉन की कमी कहां दिखाई नाइट्रोजन पर और आपको पता है इस फॉर्म में जब नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज लेता है हम उसका नाम अमोनिया नहीं पढ़ते हैं उसका नाम होता है अमोनियम तो फेनिल अमोनियम और बेटा आयोडीन लास्ट में लिखा है क्या आयोडाइड यार ये खतरनाक नाम काफी ज्यादा रहा इसको समझ पाया कि सी एस थ्री पर मैंने प्लस चार्ज क्यों ट्रांसफर किया क्योंकि सी एस थ्री के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी इसलिए वो यहां जुड़ने आया था लेकिन जल्द ही नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन सी एस थ्री को देते हुए बॉन्ड बनाया और खुद से अपने बॉन्ड के पे इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लिया कम कर लिया क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए हम तुरंत समझ गए इसका नाम अमोनिया नहीं बल्कि क्या पढ़ना चाहिए अमोनियम पढ़ना चाहिए अभी नेक्स्ट रिएक्शन चलेंगे एक अगली अभिक्रिया देखेंगे सी एस थ्री आई के बाद अगली रासायनिक अभिक्रिया है धातु से क्रिया धातु से क्रिया धा मतलब अगर एनिलीन किसी धातु से रिएक्शन करे उस समय क्या बनाएगा बेटा एनिलीन का सूत्र होता है C6, H5, N, बेटा H2 होता है इसको कैसे करें एच H एंड H. अभिक्रिया करवाएंगे धातु से तो बेटा धातु से कहे ना कहे इसको ध्यान रखना है क्रियाशील धातु ही लेनी है हाई रिएक्टिव मेटल होगा रिएक्शन करके दिखाएगा लो रिएक्टिव मेटल रिएक्शन नहीं कर पाएंगे यहां पे तो रिएक्शन कैसे करता है सोडियम क्रियाशील है हाइड्रोजन उससे कम क्रियाशील है ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा है हम लोगों ने अधिक रिएक्टिव मेटल अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके एक्वस के सॉल्यूशन से या उसके साल्ट सॉल्यूशन से हटा सकता है एनए ने एच को हटाया तो एच बेटा चला गया अलग इसको हम हाफ एच टू के फॉर्म में लिख सकते हैं लेकिन अभी मेरे पास बचा गया सी सिक्स एच फाइव सी सिक्स एच फाइव एन एच एन ए तो इस प्रकार से कंपाउंड बनकर तैयार हुआ अभी इसको नाम पढ़ेंगे क्या बोलेंगे फेनिल सोडामाइड इसका नाम पहले इस ग्रुप को पढ़ेंगे तो फेनिल और फिर उस कंपाउंड का नाम तो सोडामाइड था ही अभी आगे नेक्स्ट नंबर चलेंगे एक और रिएक्शन को बेटा हम लोग पढ़ेंगे अगला रिएक्शन है कहता है फॉजीन गैस से क्रिया फॉजीन का फॉर्मूला बेटा मैं लिख दू सी ओ सी एल टू से क्रिया अब सी ओ सी एल टू से अभिक्रिया होगी तरीका देखना है बेटा तुम लोगों को हमारे पास सी सिक्स एच फाइव एन एच टू को ऐसे लिखेंगे एन एच एच फिर से एक बार लिखेंगे सी सिक्स एच फाइव एन एच एच अभिक्रिया देखना बेटा अभिक्रिया सी ओ सी एल टू से होगी ना तो बेटा देखो सीओ सी एल टू कहा तो देखो अब समझ गए सी एल ये पीछे की ओर क्यों लगाया गया ताकि एच किससे भी क्रिया करे सी एल से ये वाला एच सी एल से भी क्रिया करे और बेटा सबसे पहला साइड प्रोडक्ट बनाए टू एच सी एल बेटा मैं चेक करूंगा अभी आगे मेरे पास क्या बचता है देखो सी सिक्स एच फाइव एन एच फिर सी ओ सी सिक्स एच फाइव एन एच से भी सी ओ मतलब ये जो दो बॉन्ड हटे हैं ये दोनों इन ग्रुपों से जोड़ दिए जाएंगे बेटा सी सिक्स एच फाइव एन एच सी ओ एन एच सी सिक्स एच फाइव बेटा इस फॉर्मूले का नाम पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा पीछे वाले कंपाउंड्स में चलेंगे यूरिया का फॉर्मूला याद है आपको क्या होता है ना ना एच दो नाच दो नाइट्रोजन के लिए ना एच नाच तो नाच दो सीओ अभी इसको एक काम करेंगे बेटा हुआ क्या है इसमें से एक एच हटाया गया है और उसकी जगह पर सी सिक्स एच फाइव लगाया गया यहां से भी एक एच हटाया गया यहां से क्या लगाया सी सिक्स एच फाइव मुझे क्या लगता है यूरिया के फॉर्मूले पे दो फेनिल ग्रुप यूरिया के फॉर्मूले पर दो फेनिल ग्रुप का मतलब है डाई फेनिल यूरिया क्योंकि यूरिया के फॉर्मूले पर दो फेनिल ग्रुप बेटा अटैच किए गए इसका नाम आप आसानी से पढ़ सकते हो डाई फेनिल या जो लोग पढ़ते हैं फेनाइल और बेटा लास्ट में चलेगा यूरिया तकरीबन सिमिलर रिएक्शन पर चलेंगे बिल्कुल अभिक्रिया ऐसी ही लगभग अभिक्रिया क्या है उसको देखेंगे कहता है कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया बेटा अभिक्रिया में ज्यादा चेंज आएगा नहीं लेकिन इसको चेक करेंगे हमारे पास फेनिल एमिन के दो मॉलिक्यूल हैं जैसा कि मैंने ऊपर वाली अभिक्रिया पे लिया था सी अभिक्रिया होगी बेटा CH2 से देखो CH2 से कैसे विक्रिया होने वाली है मैंने सी लिखा यहां एस लिखा और जो दूसरा एस था उसको डबल बॉन्ड के साथ लिखा हालांकि वो भी एस जो होगा वो डबल बॉन्ड के साथ वो भी होगा ये वाला एस भी डबल बॉन्ड के साथ ही होगा लेकिन अभिक्रिया करने का तरीका ये दोनों एच किससे से विक्रिया करेंगे एस से एच टू एस इस बार साइड प्रोडक्ट अलग हो रहा है एच टू एस अभी चेक करेंगे बेटा मेरे पास बचा क्या सी सिक्स एच फाइव एन एच क्योंकि इसी के दो बॉन्ड ब्रेक हुए ना ये वाला ग्रुप भी सी से कनेक्ट होगा और नीचे वाला ग्रुप भी कहाँ से कनेक्ट होगा सी से कंपाउंड देखो कैसे बनेगा C6NHH5NH ये भी सी से कनेक्ट हुआ सी सॉरी C6H5NH ये भी कहां से कनेक्ट हुआ सी सो सी से डबल बॉन्ड के साथ एस तो कनेक्ट था ही पहले से तो आप डबल बॉन्ड के साथ चाहे एस दिखाओ चाहे सी के साथ एस लिख लो फॉर्मूले का नाम बिल्कुल आसान है ऊपर वाले जैसा ही अच्छा यार ये बताओ तुम लोगों को बताओ सी ओ लिखा था यूरिया तुमने बताया था पहले इस बार सल्फर लग गया तो यूरिया का सूत्र बदल गया थायो यूरिया अभी क्या नाम बोलने वाले हैं डाइफेनिल और इस भाग को बोलेंगे थायो यूरिया तो उसको ध्यान रखेंगे डाई थायो यूरिया तो डाइफेनिल थायो यूरिया का निर्माण होता है बेटा उस समय इसको जल्दी से नोट करेंगे फिर हिंस बर्गर विक्रमक से बेटा विक्रिया करवाते हैं नेक्स्ट अगर हम हिंस बर्गर विक्रमक से करवाएं तो हिंस बर्गर विक्रमक का फॉर्मूला क्या रहता है बेन्जीनिंग एसओ टू सी एल बेटा अगर अभिक्रिया करवाएं हम एनिलीन से तो एनिलीन से अभिक्रिया कैसे होगी सी सिक्स या अभी क्या करते हैं अगर इधर बेंजीन रिंग बना है उधर भी वही बनाते हैं बेंजीन रिंग बनाओगे तो बेटा ये एनलिन के फॉर्मूले में एन और एच टू को तो अलग अलग लिख सकते हैं अभिक्रिया समझ गए कि एच किससे अभिक्रिया करेगा सी एल से अभी चेक करेंगे अगर एच सी एल से अभिक्रिया करेगा तो साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में एच सी एल को अलग करेंगे बचा क्या हमारे पास फिनाइल ग्रुप पर SO2 फिर NH और फिर बेंजीन रिंग तो इस प्रकार से बनकर तैयार हुआ इसका नाम भी पढ़ने पड़ेंगे तो कैसे नाइट्रोजन से फिनाइल जुड़ा है तो एन फिनाइल और बेटा इसका नाम है बेंजीन सल्फोनामाइड एन फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड अभी नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया अगर इसको चेक करेंगे तो बेटा हमारे पास एनिलीन है फॉर्मूला सी सिक्स एच फाइव एन क्योंकि दो एच है मैंने यहां लिखे अभी अभिक्रिया होगी कार्बन डाइसल्फाइड से तो डाइसल्फाइड से हो गया इसमें से एक बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ सी और एस का तो नुकसान एक बॉन्ड का सी का भी हुआ एस का भी हुआ तो नुकसान के भरपाई कैसे की जाए एच एस को दे दिया जाए तो बेटा C के बाद जो S होगा उसको मिल गया H अच्छा C का भी बॉन्ड तो टूटा था तो इसके साथ जोड़ेंगे सी सिक्स एच फाइव एन एच सी एच फाइव एन एच को जोड़ेंगे अभी अभिक्रिया यहाँ से कंप्लीट नहीं मानी जाएगी अभिक्रिया कंप्लीट कब मानी जाएगी जब इस पर हम एच जी सी एल टू की अभिक्रिया करवा देते हैं अब देखने वाली बात है एच जी सी एल टू से अभिक्रिया होगी सबसे पहला चीज दो सी एल है ना एक ये वाला एच और एक ये वाला एच सी एल से अभिक्रिया करेगा बना डालेगा टू एच सी एल मैं क्या चेक करता हूं कि अभी मेरे पास और क्या बचता है एच जी अभिक्रिया करेगा एस से, एच जी एस ये ब्लैक कलर का अवक्षेप होगा अभी मैं क्या सोचता हूं सी सिक्स एच फाइव एन सी एस सी सिक्स H of 5 NCS अगर बेटा यहाँ S की जगह पर मैं थोड़ी देर के लिए O लगा के दिखाता हूं इसको क्या बोलते हैं फेनिल आइसोसाइनेट और क्योंकि यहां पर बेटा S आ रहा है फेनिल आइसोथायोसाइनेट तो फेनिल आइसोथायोसाइनेट रहेगा एक रिएक्शन और चेक करेंगे डाई एजोटीकरण को तो डाई एजोटीकरण होती क्या रिएक्शन है सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे पास एनिलीन होना चाहिए बेटा डाई एजोटीकरण आती भी बहुत रिएक्शन अब एनिलीन की अभिक्रिया हमको करवानी है किससे दो केमिकल कंपाउंड से एक एन ए टू एनो टू और प्लस टू एच सी ध्यान रखने वाली बात है टेम्परेचर ज़ीरो से पांच डिग्री सेल्सियस होना चाहिए एक अभिक्रिया सेम ऐसी होगी हो जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा अधिक रहेगा उसमें से हमको वन एच सी एल लेना होगा चेक करेंगे उसक्रिया को भी तो ध्यान रखना जब डाई जो टिकन कहता है जीरो टू फाइव डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए अभिक्रिया का अभिक्रिया कैसे होगी एन ए सबसे पहले किससे विक्रिया करेगा एक सी एल से तो क्या बना डालेगा एन ए सी एल बेटा चेक करने वाली बात है देखो कितना एच है यहां दो यहां भी दो एच देखो टिक बनाते हैं एच एच ओ ये जितने भी टिक है ये तीनों आपस में मिल गए और बनाकर तैयार किया टू एच टू ओ मैं क्या सोचता हूं मेरे पास जो भी बचा है मैं उस कंपाउंड को केवल लिखूं बेटा मेरे पास तो क्या बचा है एन और ये ध्यान दो एक एन ये भी तो बचा है और क्या बचा है एक CL, सी एल क्योंकि दो सीएल में से तो एक सी एल चला गया तो एन टू और सी एल नाम इसमें से देखो ध्यान देंगे नाइट्रोजन पर रहेगा प्लस चारी एल पर रहेगा माइनस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड तो इसका नाम रहेगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड अच्छा इसीलिए डाई एजोनियम दो नाइट्रोजन आपस में जुड़े इसलिए इसका नाम भी रहा डाई एजोटीकरण ध्यान रखना नाइट्रोजन का एक नाम एजोट भी है जो नाइट्रोजन को पहली बार नाम मिला इस दुनिया में वो नाम था इसका जीवन रहित सबसे पहला पहला नाम उससे भी पहले एक ध्यान दे तो इसका नाम था फाउल नाम इसका क्यों था इस पर देखते हैं क्योंकि साइंटिस्ट इस बात को उस समय ढूंढ रहे थे कि एक गैस ऑक्सीजन है जो सांस लेने में कैसी है सहायक क्या अन्य दुनिया में कोई ऐसी गैस है जो सांस लेने में वो भी सहायक है तो वो किसी ऐसी गैस को ढूंढ रहे थे जो श्वसन क्रिया के दौरान अच्छा सा इफेक्ट दिखाए मनुष्य के लिए लाभदायक हो लेकिन तब उन्होंने देखा कि वायुमंडल में एक और गैस है जो हो सकता है श्वसन क्रिया में भाग ले उस गैस का एनालाइज किया गया ढंग से और बाद में यह पता चला कि यह गैस श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेगी उस गैस का नाम क्या रख दिया गया फाउल कि जो साइंटिस्ट लोगों ने इस बात की रिसर्च की वो उनकी गलत निकल गई और गलत निकलने के कारण इसका नाम क्या रखा गया फाउल फिर अदर साइंटिस्ट आए भी उन्होंने नाम इसका चेंज किया इसका नाम रखा जीवन रहित लेकिन क्योंकि बेटा प्रॉब्लम इस बात की है कि केमिस्ट्री जो है वो मूल रूप से अगर देखा जाए तो मिस्र देश का सब्जेक्ट है इजिप्ट का सब्जेक्ट है तो जीवन रहित को अगर इजिप्ट की लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाए इजिप्ट में कौन सी लैंग्वेज चलती है लैटिन जैसे भारत में हिंदी अमेरिका में इंग्लिश चाइना में चाइनीज वैसे ही इजिप्त या मिस्र में चलती है लैटिन लैंग्वेज तो लैटिन लैंग्वेज पर जीवन रहित का को चेंज किया गया जाए तो लैटिन लैंग्वेज पर इसे कहेंगे एजोट या दूसरे शब्दों में एजोट का अर्थ क्या है जीवन रहित सबसे नाइट्रोजन का भी नाम एक क्या रहा एजोट अब आज दो एजोट एक साथ जुड़ गए हैं नाम भी का क्या था डाई एजोटी सेम रिएक्शन, रिएक्टेंट सेम हर कुछ सब कुछ सेम लेकिन अभिक्रिया का थोड़ा सा मेथड चेंज अगर हम यहां NH2 को ही लें, और अभिक्रिया करवाएं NaNO2 और बेटा केवल HCl से लेकिन ये हाई टेम्परेचर पर होने वाली अभिक्रिया है अभिक्रिया कैसे करेगा बेटा Na फिर से Cl को लेकर अलग हो जाएगा एन ए सी एल अभी चेक करेंगे इसका नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ अलग हो गया एन टू बेटा और भी चेक करेंगे हमारे पास क्या बचा दो एच ओ के साथ अलग हुए गए एच टू मैं क्या सोचता हूं मेरे पास बचा बेंजीन एक तो ओ यहां का बच्चा क्योंकि दो थे और एक बेटा बचा ये वाला एच तो इसको क्या बोलते हैं फिनॉल

सब्जियों पर ज्यादा नहीं करते हैं क्योंकि सल्फा औसल एक प्रकार से अगर देखा जाए कीटाणुनाशी है अगर ज्यादा अमाउंट में पड़ी तो हम लोगों के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है अभी एक और नाम है रबड़ उत्पादन में यार इसमें से रबड़ उत्पादन में ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है वल्कनीकरण नॉर्मली जब रबड़ बनाई जाती है बिल्कुल कमजोर होती है कोई रबड़ को ऐसे पकड़ के खींच देगा फट जाएगी बीच से रबड़ क्योंकि रबड़ में संरचनाओं के बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही वीक होता है तो रबड़ को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो रबड़ की संरचनाओं के बीच में हमें बॉन्ड को क्या करना होगा स्ट्रॉन् तो रबड़ के संरचनाओं के बीच के बॉन्ड को करना क्या कहलाता है, करना। अभी आगे चलेंगे कहता है से बनता है और इसका प्रयोग क्या है? क्या बनाने में करते हैं प्लास्टिक के निर्माण में तो प्लास्टिक बनाने में भी इसका उपयोग होता ये है ये लिख सकते हैं तो बेटा ये एनिलीन हो गया आप इसको नोट कर लें